हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अबीरा ने किया राजस्थान यूनिवर्सिटी में टॉप। तो वहीं पेपर में छपी अबीरा की इस कामयाबी से दादी सा ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां अबीरा अपनी खुशी पोदार परिवार के साथ शेयर करना चाहेगी, तो वहीं दादी सा बिना कुछ सुने ही साफ साफ कह देंगी कि हमारे घर की बहू बेटी बाहर जाके कोई काम नहीं करती। जहाँ संजय दादी सा के साथ मिलके अबीरा के सपनों को कुचलने की तैयारी शुरू कर देंगे। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां दूसरे दिन बच्चे बाहर खेल रहे होंगे कि तभी आने वाला है घर में न्यूज़पेपर, और जिसे वो लोग उठा के पढ़ने लग जाएंगे कि देखो न्यूज़पेपर में आज क्या छपा है कि पोदार परिवार की बहू ने किया पूरे राजस्थान यूनिवर्सिटी में टॉप और किया अपने परिवार वालों का नाम रोशन। तो वहीं ये बात दादी सा के कानों तक भी पहुंच जाएगी, जहां दादी सा वो पेपर खुद उठा के पढ़ने लगेंगी कि पूरे पेपर में पोदार परिवार की के तारीफ लिखी गई है, और जिसे पढ़ने के बाद दादी सा के खुशी के ठिकाने ही नहीं रहेंगे और उन्हें अबीरा की इस कामयाबी से काफी ज्यादा प्राउड फीलिंग आ रही होगी। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां दादी सा अपने खानदान की इज्जत पर चार चांद लगता देख खुद के इरादे बदल देने वाली हैं, और इसी खुशी में दादी सा देने वाली हैं अबीरा को काम करने की छूट। तो वहीं दादी सा फिर से घर में कचहरी लगाएंगी और सबसे अपने अपने सजेशन मांगेंगी, जहां संजय अबीरा के खिलाफ ही बोल रहा होगा कि मासा हम घर की बहू बेटी को बाहर जाके काम करने के फैसले के बिल्कुल ही खिलाफ हैं। तो वहीं अरमान अबीरा के लिए स्टैंड लेगा और उसकी दादी सा के सामने जम के तारीफ करेगा कि वो कितनी इंटेलिजेंट है, हमें उसे आगे बढ़ने देना चाहिए, ऐसे उसके टैलेंट को घर की चार दीवारी के अंदर कैद नहीं करना चाहिए। जहां दादी सा अरमान की बातों से एग्री करेंगी कि अबीरा उनके परिवार के नाम को रोशन करेगी। तो वहीं दोस्तों, दादी सा के इस फैसले से अबीरा के करियर की होगी नई शुरुआत और कहानी में आएगा जबरदस्त मोड़। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।